हिंदी और बांग्ला फिल्मों के एक महान संगीतकार जिन्होंने भारतीय फिल्मों के संगीत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन गायक भी थे जिन्होंने अपने संगीत में लोक धुनों, शास्त्रीय और रविंद्र संगीत का ऐसा मिश्रण किया कि सुनने वाले दंग रह गए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। हिंदी संगीत और सिनेमा में जब कभी दिल को छू लेने वाले धुनों की बात होगी तो संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक में सक्रिय सचिन देव बर्मन के गानों में विरह, आशावाद और दर्शन के अलावा रोमानियत की झलक भी खूब दिखती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन देव बर्मन एक बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते थे और संगीत के लिए उन्होंने महल, राजदरबार और दौलत सबकी कुर्बानी दे दी थी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पा। क्या आपको पता है कि लता मंगेशकर से लेकर रफी साहब, मुकेश, किशोर कुमार सबको गायकी के शिखर पर काबिज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली, कली कली। क्या आप मानेंगे कि जब एसडी बर्मन बुरी तरह से बीमार हो गए थे तो रिकॉर्डिंग से पहले किशोर कुमार ने उनसे झूठ बोलकर गाना नहीं गाने का बहाना बना दिया था। जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब सचिन दा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्हें किशोर कुमार के गाए एक गाने का इंतजार था और उसे सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। आने वाले हो सके तो लौट के आना। कौन सा था वो गाना और क्यों किशोर कुमार ने उसे गाने से पहले किया था झूठा बहाना, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। त्रिपुरा रियासत के राजकुमार जिन्होंने राजपाट छोड़कर सरस्वती की साधना में अपना जीवन लगा दिया। नाचे मन मोरा मगन, टिकता धिक धिक, नाचे मन मोरा मगन, टिकता। सुरों के जादूगर एसडी बर्मन हिंदी और बांग्ला सिनेमा के मशहूर और सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक थे। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान को अपने संगीत से सम्मोहित करने वाले इस संगीतकार का सफर शुरू हुआ था पूर्वोत्तर के एक गांव से, जिस वजह से उनके गीतों में लोक धुनों की झलक दिखती थी जो आज भी सुनने वालों के मन को मोहित कर अलग ही दुनिया में ले जाती है। चल री सजनी अब क्या सोचे। उन्होंने अपने संगीत से अपने जमाने में अद्वितीय छाप छोड़ी और खूब सुर्खियां बटोरी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हम। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही उम्दा गायक भी थे। सफल होगी तेरी आराधना, आहे को रोए। उनके बनाए और गाए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का शुभारंभ किया। खोया खोया चांद, खुला आसमान। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में हुआ था जो अब बांग्लादेश में आता है। उनके पिता प्रिंस एनडी बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के पुत्र थे, जबकि मां निरुपमा देवी मणिपुर की राजकुमारी थी।
त्रिपुरा रियासत भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक था, जहां लगभग 1500 साल से देव बर्मन परिवार राज कर रहा था। इस राजवंश में 184 राजा हुए थे और दुनिया के किसी भी अन्य राजवंश में इतने राजाओं का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। दोस्तों, 9 भाई बहनों में सचिन सबसे छोटे भाई थे। बचपन में सचिन देव की देखभाल के लिए 2 नौकर तैनात किए गए, माधव और अनवर। संयोग देखिए कि पिता की संगीत में रुचि तो थी ही, उनके ये दोनों नौकर भी अच्छे गवैये थे जो महफिल जमाया करते थे। खासकर माधव और अनवर लोक संगीत गुनगुनाते रहते थे, जिसका सचिन पर गहरा असर होने लगा। सचिन का संगीत परवान चढ़ता रहा और वो गांवों खेतों में भी खूब भटका करते। किसानों के गाते लोक गीत सुनते तो कभी किसी साधु या सूफी के गीत, और उसमें खो जाते, सोचते कि कैसे इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। और इसी बीच SD बर्मन ने कौमिला से BA तक की शिक्षा पूरी कर ली, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA इंग्लिश में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी संगीत के प्रति अपने जुड़ाव को भूले नहीं। तभी खबर आई कि उनके चाचा ने उनके पिता को त्रिपुरा का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। खुशी की खबर थी, लेकिन सचिन को इस राजपाट और राजनीति में कहां कोई दिलचस्पी थी। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने का ऑफर भी बाद में आया, लेकिन वो तो पिता को बिना बताए अपनी MA की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़कर KCDA से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर चुके थे। भला राज दरबार में उनका क्या काम। उनके गुरु ये वही नेत्रहीन KCDA थे जिन्होंने आगे चलकर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में बतौर गायक, संगीतकार और अभिनेता खूब नाम कमाया। मतलब की तब दुनियादारी, मतलब के तब है सरदारी, जग में तेरा कोहितकारी। SD बर्मन ने परिवार के खिलाफ जाकर 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर दी। शुरुआती दौर में SD बर्मन ने बांग्ला गाने गाए और बंगाली नाटकों के लिए भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 1944 में SD बर्मन मुंबई चले आए। यहाँ उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले 1946 में रिलीज हुई फिल्में 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। ये सचिन दा की विविधता थी कि नौकेतन के बैनर से हटकर फिल्मिस्तान के परचम तले 1955 में जब देवानंद के लिए वो मुनीम जी के संगीतकार के रूप में आए, तो उन्होंने अपने खास रिदम, प्रवाह और लोक धुन पर आधारित जीवन के सफर में राही नैना खोए खोए जैसे गीतों से संगीत का एक बिल्कुल अलग शास्त्रीय रंग प्रस्तुत किया। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। घायल हिरणिया मैं बन बन डोलू इस गीत में सुबह के समय प्रकृति में व्याप्त पक्षियों की चहचहाहट और अन्य ध्वनियों का सचिन दा ने ऐसा समावेश किया कि ये रचना एक मिसाल बन गई। घायल हिरणिया मैं बन बन डोलू। वैसे तो सचिन देव बर्मन की कई फिल्मों के कई गीत विभिन्न रागों पर आधारित थे, पर शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक व्यापक इस्तेमाल उन्होंने जिन फिल्मों में किया, उनमें एक खास फिल्म है 1963 में आई फिल्म मेरी सूरत तेरी आँखें। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिरवाए रुत। आज भी फिल्म संगीत में अहीर भैरव की कालजयी कृति पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई अपने अद्भुत संगीत के लिए याद की जाती है। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। वहीं राग भैरवी में नाचे मन मोरा मगन धिकना धीकी धीकी पर कुर्बान होने वाले तो आज भी हजारों हैं। नाचे मन मोरा मगन धिकना धीकी धीकी बदरा घिरवाए। नाचे मन मोरा में स्थाई पंक्तियों के बाद तबले से उत्पन्न एक अजीब सा हुंकार भरा स्वर गीत की अनूठी विशेषता बन गया। धिकता धीकी धीकी धिकता धीकी धीकी धिकता
वहीं 1965 में आई फिल्म गाइड में दादा अद्भुत थे तो शास्त्रीय भी थे। यहाँ उनके संगीत में भरपूर सरसता थी। राग तिलंग में पिया तो से नैना लागे रे, इसका जादू तो आज भी सर चढ़कर बोलता है। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, न जाने कितने सदाबहार गाने एसडी ने ना सिर्फ गाए बल्कि कई गीतों को अपने संगीत में पिरोया भी। एसडी बर्मन ने अपने संगीत से भारतीय सिनेमा को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी प्रमुख फिल्मों में आराधना, अभिमान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, कागज के फूल, बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर, शर्मीली, चुपके चुपके, तेरे मेरे सपने और मिली जैसी अनेक इतिहास बनाने वाली फिल्में शामिल हैं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊं। सचिन दाने देव आनंद के नवकेतन बैनर के अलावा बिमल रॉय, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी की कई फिल्मों सहित कई और निर्माताओं की फिल्मों में बेहतरीन पारी खेली। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। उन्होंने लगभग 3 दशक तक 100 फिल्मों में संगीत दिया और लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचाया। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। किशोर कुमार की आवाज पर शुरुआती दिनों में केएल सहगल की आवाज का असर था। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। एसडी बर्मन साहब ने किशोर कुमार को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में गाने को प्रेरित करते थे। आखिरकार बर्मन दा को सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार में, जब किशोर कुमार ने ये अनोखा गाना खालिस अपने अंदाज में गाया। हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। उसके बाद तो दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। एसडी बर्मन के निर्देशन का असर ये हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक नई पहचान मिली और वो दूसरे संगीतकारों के लिए भी अपने अलग अंदाज में खुलकर गाने लगे। हालांकि किशोर कुमार और एसडी बर्मन के साथ ने कई ऐतिहासिक और सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए। गाता रहे मेरा दिल, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किस्सा जो इस महान संगीतकार के संगीत के प्रति समर्पण की कहानी बयां करता है। कहते हैं कि किशोर कुमार अपनी लगन और साधना से बर्मन दा के दिल में इतनी जगह बना चुके थे कि वो इस नटखट गायक को अपने बेटे की तरह मानते थे। बात है 1975 की, जब एसडी बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में एक बेहद गंभीर और अर्थपूर्ण गीत था जिसके बोल थे, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। एक दिन जब वो अपने आवाज पर किशोर कुमार को इस गाने का रिहर्सल करवा रहे थे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती लगने लगी। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि जब वो गाने का पूर्वाभ्यास कर रहे थे उसी वक्त सचिन दा बीमार पड़ने लगे थे। किशोर कुमार के शब्दों में, मैं रिहर्सल करता रहा लेकिन उनकी आंखें उदास खाली लग रही थी, वो मुझे देखते रहे चुपचाप गाना सुनते रहे। रिहर्सल खत्म होने के बाद किशोर कुमार घर से निकल गए और करीब 25 मिनट बाद एसडी बर्मन अपने घर में फर्श पर गिर पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने चेकअप करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी लेकिन दादा नहीं गए। किशोर कुमार के मुताबिक एसडी बर्मन जोर देकर कहने लगे कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे क्योंकि अगले दिन उन्हें ये गाना रिकॉर्ड करवाना है।
उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप मुझे जहां चाहें ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद उनके बेटे आरडी बर्मन यानी पंचम मेरे घर पहुंच गए और कहा, किशोर मेरे साथ चलो और उन्हें समझाओ कि गाने की रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो सकती है। मैं दादा के घर पहुंचा और उनकी हालत देखकर डर गया। उनका शरीर अजीब सा हो गया था। बकौल किशोर कुमार, मैंने जानबूझकर अपने गले में खराश होने का दिखावा किया और उन्हें कहा कि मैं गाना बाद में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अभी मेरी आवाज ठीक नहीं है। आप अस्पताल चले जाइए, जब तक आप वापस आओगे मेरी आवाज भी ठीक हो जाएगी, हम लोग बाद में गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे। जब मैंने अपनी बनावटी खराश सुनाई तो वो भी राजी हो गए और कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए, इस गाने को तभी रिकॉर्ड करना जब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। सचिन देव बर्मन अस्पताल चले गए और जाहिर है कि वो रिकॉर्डिंग वाले दिन नहीं आ सके। किशोर कुमार ने ऐसा ही गाया जैसा एसडी बर्मन साहब चाहते थे। बाद में पंचम गाने के रिकॉर्डेड टेप को लेकर अस्पताल पहुंचे और सचिन दा को प्ले करके पूरा गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद एसडी बर्मन साहब बेहद भावुक हो उठे। और नम आंखों से बुदबुदाते हुए बोले, मुझे पता था इसे किशोर ऐसे ही गाएगा। कभी मैं न सोया, कहीं। हालांकि काम के प्रति दीवानगी की वजह से वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए और उनको बीमारी ने फिर नहीं छोड़ा। संगीत के इस राजकुमार ने 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तू जाएगा कहां? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी एसडी बर्मन साहब से जुड़ी हुई कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।